एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लीड कोड पे इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक्ड नाम की प्रॉब्लम के बारे में। तो प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है, इसके हम लोग यहाँ पे चार अप्रोच देखेंगे टोटल। तो हो सकता है लेंथ इसकी 20 से 25 मिनट जा सकती है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन के। हमसे क्या कह रहा है कि भाई गिवन द हेड ऑफ टू सिंगली लिंक्लिस्ट हेड ए एंड हेड बी। तो हमें दो लिंक्लिस्ट दी गई हैं, उन दोनों के मुझे हेड पॉइंटर दिया गया है। पहले का हेड पॉइंटर हेड ए और दूसरे का हेड बी। मुझसे कह रहा है आपको वो नोड रिटर्न करना है जहाँ पे दोनों लिस्ट इंटरसेक्ट कर रहे हो, मतलब वो ऐसा कॉमन नोड जो इन दोनों लिस्ट में आ रहा हो, इन दोनों के ट्रेवर्सल में आ रहा हो, आपको वो नोड रिटर्न करना है। अब अगर आपके लिंक लिस्ट में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है तो आप वहाँ पे रिटर्न करोगे नल। तो इसको एग्जाम्पल समझते ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपके पास एक लिंक लिस्ट कैसी है, ए वन ए टू, जैसे ए वन ए टू सी वन सी टू सी थ्री, एक लिंक लिस्ट है, इसमें पाँच एलिमेंट पड़े हैं। एक दूसरी लिंक लिस्ट कौन सी है, बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। तो ये दो लिंक लिस्ट हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा कॉमन पॉइंट है ना जहाँ पे ये दोनों आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, सी वन पे। तो आपको बताना है कि हाँ भाई सी वन जो है हमारा, ये वो नोड है जहाँ पे ये दोनों लिंक लिस्ट आपस में आके इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। अब देखो क्वेश्चन ने मुझे और एक्स्ट्रा बातें क्या बताई कि ये तो गारंटीड है कि यहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं होगी पूरी लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर में, मतलब आपको आपका इनफिनाइट लूप में कभी नहीं जाएगा, सीधी सी बात ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है। साइकिल होने का मतलब क्या है कि ये जो है यहाँ पे सी वन को पॉइंट आउट कर रहा है और फिर सी वन सी टू को सी थ्री को, और फिर सी थ्री दोबारा से घूम के अगर ए टू को पॉइंट करने लगे तो यहाँ पे नहीं, देखो ये ऐसी साइकिल बनती रहेगी। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, आपको लिंक लिस्ट इस प्रकार की नहीं दी जाएगी। तो ये आपके लिए यहाँ पे अच्छी बात है। तो सिंपल है, प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अब इसकी अप्रोच देख लेते हैं। अच्छा देखो सबसे बेसिक अप्रोच क्या हो सकती है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और यहाँ पे ध्यान देनी है कि जो लिंक लिस्ट होगी उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है, मतलब जैसे ही वो लिंक लिस्ट है उसको वैसे ही रखना है। इसमें इस लिंक लिस्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमें बस ढूंढ के बताना है, तो इसमें चेंजेस नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फिर अप्रोच पे बात करते हैं। जैसे इसमें देखो आपको दिख रहा है कि भाई आठ पे जाके इंटरसेक्शन हो रहा है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, बाकी इसको समझाने की जरूरत है नहीं इसमें, बाकी आप एक्सप्लेनेशन वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो इसका, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो दो जो है ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमें दो को रिटर्न करना है यहाँ पे, तो मेरा आंसर आ रहा है इंटरसेक्टेड टू, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे दोनों लिंक लिस्ट अलग अलग है, इनमें कोई भी कॉमन नोड नहीं है, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर यहाँ पे वैल्यू वन पड़ी होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि वन और वन कॉमन हो गया ना, हमें नोड को चेक करना है। हर एक नोड का अपना अलग एड्रेस होता है ना लिंक लिस्ट में, मेमोरी के अंदर, समझ रहे हो। तो ये नोड का एड्रेस अलग है, ये नोड का एड्रेस अलग है, वो बात अलग है कि इन दोनों के अंदर वैल्यू सेम पड़ी है। तो वैल्यू को नहीं चेक करेंगे हम लोग, नोड को चेक करेंगे कि क्या नोड हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो इस केस में हमारा देखो कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा, तो हम कह देंगे नो इंटरसेक्शन या फिर नन रिटर्न कर देंगे। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नल रिटर्न करोगे, ठीक है, पाइथन में नन रिटर्न करोगे, सिंपल। अब देखो जो टोटल नंबर ऑफ नोड हमारी लिस्ट ए में होंगे वो एम नोड हो सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो दूसरी लिस्ट है हमारी उसमें टोटल एन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट आपको दिए गए हैं तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही जाएगा सब, वीडियो पढ़ लेना रोक के इसमें करना क्या है। सबसे बेसिक अप्रोच पहले बात कर लेते हैं क्या हो सकती है। भाई सबसे आसान अप्रोच क्या है, मैं इस वाले एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो हमारे पास, हमें पता है कि पहली लिंक लिस्ट है, यहाँ पे इसको पॉइंट कर रहा है हेड ए, तो मैंने कह दिया ऐसा करो पी वन या फिर पी ए तुम इसको पॉइंट करने लगो, पॉइंट है जो ए वाली लिस्ट को, लिंक लिस्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। फिर मैंने कहा पी बी तुम ऐसा करो तुम दूसरी वाली लिंक लिस्ट को पॉइंट आउट करने लगो, ठीक है। तो जिस भी नोड को पी ए पॉइंट करेगा उसका कलर येलो है, और जिसको भी पी बी पॉइंट करेगा उसका कलर यहाँ पे ब्लू है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक अप्रोच क्या है कि भाई ऐसा करते हैं हम पहली वाली लिंक लिस्ट में एक एक एलिमेंट को उठाएंगे। तो हमने कहा भाई हम इसको उठा लिया, हमने पहले इसको पी ए पॉइंट आउट कर रहा था, हमने इसको उठा लिया। फिर हम चेक करेंगे दूसरी वाली लिंक लिस्ट में कि क्या कहीं पे हमें ये पी ए वाला नोड मिल रहा है। मान लो इसका एड्रेस है 100, इसका है 200, है ना, इसका है 300, इसका है 400, इसका है 500, क्योंकि नोड को चेक करना है, इसके अंदर वैल्यू होना चेक करनी है, और इसका मान लो है 600। तो अब मुझे चेक करना है कि क्या 100 एड्रेस वाला नोड कहीं है, तो किस में चेक करेंगे, हम दूसरी वाली लिंक लिस्ट में चेक करेंगे। तो हमने चेक करा कि भाई पी बी अभी यहाँ पे है दूसरी लिंक लिस्ट में, चेक करा क्या 100 इज इक्वल टू 600, क्या दोनों नोड आपस सेम है, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा,
हम लोग क्या करेंगे, अगले नोड पे चले जाएंगे, दूसरी लिंक लिस्ट में, एक और नोड पे आगे बढ़ गए। क्या इसका एड्रेस हमारे सेलेक्टेड एड्रेस से इक्वल है? ऐसा तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, और आगे चले जाएंगे। ठीक है, हम इधर चले गए, हमने इसको सेलेक्ट करा। क्या अभी इसका एड्रेस 1 के इक्वल है? क्या 100 के इक्वल? ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब दूसरी लिंक लिस्ट खत्म हो गई और इस नोड का पर्टिकुलर हमें कहीं भी इसका मैच नहीं मिला दूसरी लिंक लिस्ट में। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी इस जो पी ए है अब इसको 9 को पॉइंट आउट करने लगेगा। तो अब इस पर्टिकुलर 9 के लिए हम दोबारा से दूसरी वाली लिंक लिस्ट में दोबारा से चलेंगे। हम देखेंगे क्या भाई 200 इज इक्वल टू 600? ऐसा तो नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगले वाले नोड पे आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे भाई दूसरी लिंक लिस्ट में। अच्छा क्या इसका एड्रेस सेम है क्या 9 वाले से? नहीं भाई, इसका भी नहीं सेम है। इसका मतलब ये भी मैच नहीं कर रहा, ये भी इंटरसेक्शन वाला नोड नहीं है। फिर हम 4 पे आएंगे, क्या इसका एड्रेस सेम है क्या? अच्छा इसका 500 है, इसका 200 है। नहीं, ये भी नहीं सेम है। इसका मतलब जो 9 है ये भी हमारी दूसरी लिंक लिस्ट में कहीं पर नहीं प्रेजेंट है। तो मैंने इसको हटा दिया। फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक कदम और आगे बढ़ूंगा। मैंने 1 को सेलेक्ट करा, ठीक है, 1 को जब मैंने सेलेक्ट करा, फिर मैंने देखा कि क्या 600 क्या इक्वल है 300 के? ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि एड्रेस हम लोग चेक कर रहे हैं। क्या 300 इक्वल टू 600? ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला नोड जो है वो इक्वल नहीं है। तो हम लोग और आगे गए दूसरी लिंक लिस्ट में, मतलब एक एलिमेंट पहली लिंक लिस्ट से उठाते हैं, दूसरी लिंक लिस्ट में चेक करते हैं। भाई इसका एड्रेस 4 है, इसका 300 है, 400 का इक्वल है 300, मतलब ये भी मैच नहीं कर रहा है नोड। तो हम क्या करेंगे, इससे एक और आगे बढ़ गए, हम इधर आ गए दूसरी लिंक लिस्ट में। हमने चेक करा क्या दोनों सेम है, दोनों नहीं सेम है। इसका मतलब जो 1 है ये वाला नोड भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सिंपल है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 2 को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम दोबारा से अपनी पहली वाली दूसरी वाली लिंक लिस्ट में फिर से चलेंगे, देखेंगे क्या 3 इज इक्वल टू 2? ऐसा तो नहीं, मतलब 6 एड्रेस चेक करने। देखो मैं 3 और 2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपको विजिबल है, वो उसके नोड की वैल्यूज़ हैं, बट मैं नोड की वैल्यू नहीं चेक कर रहा हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ कि जिस नोड में 3 पड़ा है और जिस नोड पे 2 पड़ा है, क्या वो दोनों आपस में इक्वल हैं? अभी तो नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग ब्लू वाले को और एक आगे बढ़ा देंगे। अच्छा अब बताओ क्या 400 इज इक्वल टू 400? तो बिल्कुल इक्वल है, दोनों नोड एक हैं। इसका मतलब यही वो हमारा आंसर है, यही वो नोड है जहाँ पे दोनों लिंक लिस्ट जो हैं आके कंबाइन हो रही हैं। तो ये अप्रोच तुम्हें समझ में आ गई होगी। हमने क्या करा, पहली वाली लिंक लिस्ट में हम एक एक करके लूप चलाएंगे और हर बार एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। उस जो हमने एक सेलेक्टेड एलिमेंट है उसके लिए हम दूसरी वाली लिंक लिस्ट को पूरा ट्रेवल्स करेंगे एक बार और चेक करेंगे क्या ये पर्टिकुलर नोड हमारी इस लिंक लिस्ट में है कि नहीं। अगर है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, अगर नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे 9 पे आ जाएंगे, फिर इसको एक और आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। 9 पे आ गए, अब हम 9 पे चेक करेंगे क्या 9 जो है इसमें है क्या? अगर है तो ठीक, वरना हम 1 को उठा के चेक करेंगे। 1 है क्या? है तो ठीक, वरना हम और आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब पहले लिंक लिस्ट से एक एक एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, दूसरे लिंक लिस्ट में सर्च करना है। तो यही हमारा पहला ब्रूट फोर्स लॉजिक हो सकता है जो हर इंसान के दिमाग में आएगा सबसे पहले। तो भाई यहाँ पे दिया गया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहले आप लोग को ब्रूट फोर्स टेक्निक ही बतानी है, ठीक है, कि भाई ऐसा हम कर सकते हैं। आपको कोड लिखने को नहीं बोलेगा उस समय पे, क्योंकि आप सिंपली ये बताओगे, फिर वो आपसे बोलेगा कि भाई इसमें तो बहुत समय लग रहा है, समझ रहा हूँ, तो फिर आपको ऑप्टिमाइज करने को कहेगा। तो आप डिस्कस कर सकते हो उससे कि भाई हर एक नोड जो हम सेलेक्ट करेंगे अपनी पहली वाली लिस्ट में, लिंक लिस्ट में, उसके लिए हम ट्रैवल्स करेंगे पूरी लिस्ट बी को। हर एक नोड जो हमारा पहली लिंक लिस्ट में है उसके लिए हम पूरी की पूरी दूसरी वाली लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करके हर बार चेक करेंगे कि क्या ये नोड जो है, क्या वो हमारी जो हमने सेलेक्टेड नोड है, क्या ये नोड बी में प्रेजेंट है, लिस्ट बी में है कि नहीं है। अगर होगा इसका मतलब वही इंटरसेक्शन पॉइंट है, और अगर नहीं होगा इसका मतलब क्या, कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देनी जो मैंने यहाँ बताई भी है, ठीक है, कि आप लोग को यहाँ पर कंपेयर करना है नोड को, ना कि उसकी वैल्यूज़, क्योंकि हो सकता है कभी जो नोड के अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हैं वो सेम हो सकती हैं ना, जैसे अपने ऊपर वाले केस में 1 1 दो बार आ रहा था, है ना, तो वो वैल्यूज़ सेम हो सकती हैं। हमें नोड का एड्रेस चेक करना है। अच्छा इसका लॉजिक सिंपल क्या है, आपको हेड ए दिया गया है, आपको हेड बी दिया गया है, दोनों लिंक लिस्ट के हेड दिए गए हैं। तो आपने क्या बोला कि भाई जब तक हेड ए मेरा नन ना हो जाए, मतलब पहली वाली लिंक लिस्ट जब तक मेरी ख़त्म ना हो जाए, तो हम क्या करेंगे एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए हमने ये वाली लाइन लिखी है। अब उसको सेलेक्ट करने के बाद हमें करना क्या है, हमें दूसरे वाले लिंक लिस्ट में चेक करना है। तो मैंने कहा कि भाई पीबी ऐसा करो, अब तुम्हें दूसरी वाली लिंक लिस्ट में चलना है और तुम जो है शुरुआत से लेकर अंत तक चलो। उसके लिए मैंने ये लाइन लिख दिया, ये वाला लूप लगा दिया कि भाई तुम्हें दूसरी वाली लिंक लिस्ट में पूरा ट्रेवल्स करना है। हर पल हम चेक करते रहेंगे कि जो हम नोड सेलेक्ट करे हुए हैं अपनी पहली लिंक लिस्ट का, क्या ये किसी भी मोमेंट पे इक्वल है क्या दूसरी वाली लिंक लिस्ट के किसी भी नोड से। अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब वही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, दूसरे लिंक लिस्ट में अगले नोड पे चले जाएंगे, फिर उसको चेक करेंगे। तो ये जो हमने इतनी लाइन लिखी है, ये लाइन लिखी है दूसरी वाली लिंक लिस्ट में पूरा चलने के लिए और अपने हेड को
जो पहले वाले का हमने सेलेक्ट करा है, पहली लिंक लिस्ट का एक एलिमेंट हमने नोड सेलेक्ट करा होगा, उसको सर्च करने के लिए क्या वो दूसरी लिंक लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर होगा तो हमें रिटर्न कर देगा हेड, वरना ये पूरी पूरी लिस्ट जो है वो ट्रैवर्स हो जाएगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहली लिंक लिस्ट नहीं, हम लोगों ने एक एलिमेंट को चेक करा, अगर ये मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो हम इसके अगले वाले एलिमेंट को उठाते हैं। तो अगले वाले एलिमेंट कैसे उठाओगे, मैंने कहा हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, समझ गए, फिर अगली बार हम इसको उठाएंगे। और जब हमने दूसरा एलिमेंट उठाया तो इसके लिए दोबारा से हमारा पूरा का पूरा ये लूप फिर से चलेगा। तो लगभग हम कर क्या रहे हैं, हम दोनों अपनी लिंक लिस्ट में एक एक एलिमेंट को उठा रहे हैं, उसके बाद हम मैच कर रहे हैं क्या वो दोनों आपस में सेम है कि नहीं। तो पहली वाली लिंक लिस्ट में अगर m एलिमेंट है और दूसरी वाली लिंक लिस्ट में अगर n एलिमेंट है, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, हम हर बार एक एक एलिमेंट उठाएंगे m तक, वन पहले पहला उठाएंगे, दूसरा उठाएंगे, तीसरा उठाएंगे, m तक ऐसे सारे एलिमेंट उठाएंगे, सारे नोड उठाएंगे, और हर एक नोड के लिए हम लोग वन से लेके n तक सारे नोड जो दूसरी लिंक लिस्ट में हैं उनको मैच करेंगे। तो इस वाली ऊपर वाली काम में हमें टाइम लग गया, सिलेक्शन में टाइम लग गया हमें m, और हर बार चेक करने में हमें टाइम लग गया n। तो m क्रॉस n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, मान लो दोनों लिस्ट की अगर लेंथ सेम है तो n स्क्वायर टाइम लग जाएगा। तो जो n स्क्वायर टाइम लग रहा है ये बहुत ही ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो हमारी जो पहली अप्रोच हमने देखी यहाँ पे वो क्या थी, टाइम हमें लग रहा था n स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें कितनी लग रही है कॉन्स्टेंट टाइम पे। तो ये अप्रोच बिल्कुल सही नहीं है, हाँ, बट ये है कि आप इस अप्रोच से ट्राई कर सकते हो, एक बेसिक अप्रोच है जो कि हर बंदे के दिमाग में आ जाती है। बस वही यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करा गया है, तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्रॉस एम है, रीज़न आपको नीचे दिया गया, मैंने आपको ओरली समझा भी दिया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओवन है क्योंकि हम लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करी है। अच्छा, तो अब ये बताओ, इस कोड को आपने देखा समझा, एन स्क्वायर टाइम भी लग रहा है, बट एन स्क्वायर लग क्यों रहा है। भाई देखो, एन स्क्वायर इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें पहली वाली लिंक लिस्ट में हम हर एक एलिमेंट को हम उठाएंगे, ठीक है, और हर एक एलिमेंट के लिए हम दूसरी वाली पूरी लिंक लिस्ट को चेक कर रहे हैं। तो दूसरी वाली जो पूरी लिंक लिस्ट को हम ढूंढ रहे हैं ना, कि ये पर्टिकुलर नोड क्या इस पूरी लिंक लिस्ट में प्रेजेंट है, इस चीज़ को ढूंढने में हमें समय लग रहा है। तो हम करें क्या ऐसा कि हमें ये जो समय हमारा लग रहा है एन टाइम में लग रहा है, मतलब हमें पूरी लिंक लिस्ट में चेक करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें पूरे पूरे एन नोड्स को एक बार चेक करना पड़ता है, क्या ये सारे एन नोड क्या इस वाले नोड के इक्वल हैं क्या, और ऐसा हमें बार बार करना पड़ता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ये जो दूसरी वाली लिंक लिस्ट है कुछ ऐसा जुगाड़ लगा दें कि ये लिंक लिस्ट जो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, जब हम कंपेयर करते हैं कि ये पर्टिकुलर नोड क्या इस लिंक लिस्ट के अंदर है, तो उसमें ओवन टाइम ना लग के हमें कॉन्स्टेंट टाइम में पता चल जाए कि भाई ये पर्टिकुलर नोड दूसरे लिंक लिस्ट में है कि नहीं। ये काम अगर हमें कॉन्स्टेंट टाइम पता चल जाए तो हमें आसानी से हमारा एक काम तो हो जाएगा कि हम अपनी पहली वाली लिंक लिस्ट में चलेंगे और उसका एक एक एलिमेंट उठाएंगे। अब उसको चेक करने में हमें कॉन्स्टेंट टाइम लग रहा है, समय लग ही नहीं रहा है दूसरी वाली लिंक लिस्ट में, अगर हम ऐसा कुछ कर दें तो, ठीक है। तो हमारा ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो एन स्क्वायर से कितनी हो जाएगी, सिंपली एन हो जाएगी, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा ऑप्टिमाइज़ करें, बट ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमें पूरा लूप हटाना पड़ेगा फिर, बट लूप हटाने के लिए यहाँ पे कुछ और यूज़ भी करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताओ, अगर आपके पास कोई लिस्ट है, ठीक है, जैसे कि लिस्ट में एलिमेंट पड़े हैं 1 2 3 4, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ढूंढना है कि क्या 3 in 1 2 3 4, क्या 3 हमारा 1 2 3 4 में है, तो इसको सर्च करने के लिए आप देखोगे, नहीं भाई ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, अरे हाँ ये मिल गया, तो फिर आप आंसर दे दोगे हमें ट्रू। बट इसको करने के लिए आपको टोटल टाइम कितना लगा, एन टाइम लगा ढूंढने में, आप ढूंढ रहे हो तो उसमें टाइम आपको एन लग रहा है। बट अभी मैं कह दूं इसी की जगह अगर मैं यहाँ पे सेट यूज़ कर लूँ, सेट की क्या क्वालिटी होती है कि सेट जो है वो हमारे हैशिंग का यूज़ करते हैं। अब हैशिंग टेक्निक अगर आपको नहीं पता है तो मेरे ख्याल से आप जो है एक बार गूगल में इसको सर्च कर लो, समझ लो, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो सेट होती है हमारे पाइथन में सेट्स होते हैं, डिक्शनरी होती है, ये सारे हैशिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके अपने अंदर, जैसे डिक्शनरी है वो की वैल्यू पेयर जो है अपने अंदर रखती है, और सेट जो है वो सारी सारी कीज़ जो हैं उनको अपने अंदर रखते हैं, ठीक है। कीज़ मतलब सिंपल आइटम्स जो भी आप एलिमेंट इसके अंदर डालोगे, ठीक है। तो अगर आप सेट में या डिक्शनरी में आप अगर कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, फाइंड कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे कॉन्स्टेंट टाइम में वो चीज़ें बता देती हैं कि हाँ ये सेट आपको बता देगा कि क्या ये एलिमेंट पर्टिकुलर हमारा इस सेट में है कि नहीं। तो अगर मैं आपसे कह दूँ कि हम लोग के पास अभी सेट है, ठीक है, और अगर हमें उसमें ढूंढना है कि क्या 3 हमारा सेट में है क्या, इसको मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, क्या 3 मेरे सेट में है, तो अब ये सेट आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, इसकी अकेले की होने की वजह से आपको ये तुरंत कांस्टेंट टाइम पे पता चल जाएगा। इसके लिए आपको पूरा ढूंढना नहीं पड़ेगा ना, ये इनबिल्ट होता है आपके में, ठीक है, आपका आपको मतलब कुछ अलग से नहीं करना, आपको बस सेट यूज़ करना है लिस्ट की जगह। तो मैं कहता हूँ क्यों ना ऐसा करा जाए कि जो दूसरी वाली लिंक लिस्ट है उसको सेट में बदल दें, क्योंकि हमें दूसरी वाली लिंक लिस्ट में बार बार चेक करना है। तो वही हमारी दूसरी अप्रोच है यहाँ पे हैश टेबल की। हम क्या करेंगे, पहले अपनी दूसरी वाली जो लिंक लिस्ट है बी नाम की, ठीक
ठीक है, उसको पूरा ट्रैवर्स करेंगे और जितने भी एड्रेस हैं हर एक नोड के उनको उठा के हम रख लेंगे हैश टेबल में, मतलब अपने केस में हैश टेबल क्या है, सेट है पाइथन में। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जैसा कि पहले भी कर रहे थे कि अपनी पहली वाली लिंक्ड लिस्ट ए से एक एक एलिमेंट को उठाएंगे और चेक करेंगे क्या वो एलिमेंट का एड्रेस क्या हमारे सेट में है क्या। अगर कोई भी पहली वाली लिंक्ड लिस्ट का नोड अगर वो सेट में प्रेजेंट है, सेट में प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि वो लिंक्ड लिस्ट बी वाले में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, बता देंगे कि हाँ भाई यही हमारा इंटरसेक्शन नोड है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम अगले एलिमेंट को उठाएंगे अपनी पहली वाली लिंक लिस्ट में, फिर दूसरे चेक करेंगे क्या वो सेट में है कि नहीं। तो अगर कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करता है हमारे इन सेट के एलिमेंट से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हमारी लिंक लिस्ट में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर मान लो ऐसा होता है कि भाई हम लोग को मिल जाता है कोई ऐसा एलिमेंट है जो सेट में प्रेजेंट है, तो सेट में एलिमेंट्स किसके पड़े हैं, लिंक लिस्ट बी के ना, तो इसका मतलब वो लिंक लिस्ट बी में भी प्रेजेंट होगा और वो लिंक लिस्ट ए में तो है ही है, इसका मतलब वही पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये हमारा यहाँ पर लॉजिक है। तो इसके लिए हमें पहले एक सेट बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि भाई नोड्स इन बी नाम से मैंने एक सेट बना दिया पाइथन में, ठीक है ऐसे ही बनाते हैं। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कि भाई जब तक मेरा दूसरी वाली लिंक लिस्ट का हेड नन ना हो जाए, जब तक पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स ना हो जाए, मैं एक एक करके नोड उठाऊंगा दूसरी वाली लिंक लिस्ट में। फिर मैं क्या करूँगा, अपने सेट में उन सारे नोड्स को, नोड्स का मतलब एड्रेस जो है, उनको ऐड कर लूँगा, रख लूँगा। सेट में डॉट ऐड होता है, लिस्ट में डॉट अपेंड फंक्शन होता है। ठीक है, सेट में हमने वो सारी वैल्यूज रख ली। इसके बाद हम हर एक एलिमेंट को एक आगे बढ़ा देंगे। तो जब ये पूरा लूप चल जाएगा तो होगा क्या, एक हमारे पास सेट बन जाएगा जिसमें सारे के सारे दूसरी वाली लिंक लिस्ट के नोड्स का एड्रेस पड़ा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, वही जो हम लोग पहले ही कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि भाई हम कह रहे हैं कि भाई जब तक मेरा हेड ए नन ना हो जाए, जब तक मेरे पहले, अब हम लोग क्या करेंगे पहली वाली लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स कर रहे हैं, चेक करेंगे जब तक हेड ए मेरा नन नहीं हो जाता, तब तक हम क्या कर जाएंगे, हम चेक करेंगे हर एक नोड के लिए कि क्या वो पर्टिकुलर नोड क्या वो प्रेजेंट है हमारे सेट में। अगर वो हमारे सेट में प्रेजेंट है इसका मतलब वो हमारी लिंक लिस्ट बी में भी प्रेजेंट होगा, इसका मतलब कि हमें पता चल गया तुरंत कि हाँ भाई वो वहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम रिटर्न कर देंगे वही नोड, क्योंकि वही नोड क्या है, इंटरसेक्शन वाला नोड है। क्योंकि भाई एक नोड तभी तो दोनों लिंक लिस्ट में कॉमन होगा जब वो उसका इंटरसेक्शन होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग हर बार क्या करेंगे, पहले वाली लिंक लिस्ट में हमने इसको चेक करा क्या ये सेट में है, अगर है तो ठीक वरना नहीं है तो फिर हम इसके अगले वाले नोड को उठा के चेक करेंगे क्या ये है हमारे सेट में है तो ठीक, नहीं है तो इसको हटाएंगे। फिर ये वाला एलिमेंट देखा कि ये हमारे सेट में है, अगर है इसका मतलब यही हमारा आंसर है। तो ये जो लॉजिक चल रहा है ये हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। देखो हम लोगों ने इसमें करा क्या, हम लोगों ने इसमें सेट को बनाया पहले, तो इसको बनाने में हमने क्या करा कि पहले जो दूसरी वाली लिंक लिस्ट थी उसको पूरा ट्रैवर्स करा, तो उसके लिए हमें कितना टाइम लग गया यहाँ पे, एन टाइम लग गया। ठीक है, इसके बाद हम हर एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी पहली वाली लिंक लिस्ट में, तो हमने कह दिया हर एक एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए टाइम कितना लग गया, एम टाइम लग गया। और ढूंढने में हमने यहाँ पे सेट का यूज़ कर लिया, तो सेट हमें कॉन्स्टेंट टाइम पे ढूंढ के सामान को दे देता है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के लिए हमें कॉन्स्टेंट टाइम में पता चल जा रहा है, तो हमें समय लग ही नहीं रहा है असल में इन दो लाइन में। तो इसका मतलब है कि हमारा कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, ओ एम प्लस एन हो गया। एम प्लस एन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें पहले तो सेट बनाया, ठीक है उसमें एन टाइम लग गया, और हमने पहले वाली लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करा पूरा, तो उसके चक्कर में एम टाइम लग गया, तो ओ एम प्लस एन। और मान लो दोनों लिंक लिस्ट की लेंथ अगर एन है तो हमें टाइम कितना लग गया, ओ एन। और ये काफ़ी बेहतर है हमारे एन स्क्वायर वाली अप्रोच से, बट जो पहले वाली अप्रोच थी उसमें एन स्क्वायर टाइम लग रहा था और कॉन्स्टेंट स्पेस लग रही थी, हमने स्पेस एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करी थी। इसमें हमने क्या करा, हमने यहाँ पे इसको हैशिंग का यूज़ करके, सेट्स का यूज़ करके इसे एन टाइम में तो कन्वर्ट कर दिया, बट इसमें स्पेस भी हमने कितनी ले ली, एन स्पेस ले ली। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी लिंक, आपके जो हेड बी है मतलब जो दूसरी वाली लिंक लिस्ट है इसमें कितने एलिमेंट है। अगर इसमें एन एलिमेंट है तो हमने एन स्पेस ली, अगर इसमें एम एलिमेंट है तो हम लोगों ने एम स्पेस ली। ठीक है, तो हम लोग अभी इस वाले सोल्यूशन पे आ गए, तो पहली अप्रोच से दूसरी अप्रोच हमारी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरे अप्रोच की, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी मैंने डिस्कस कर ही ली, ठीक है एन प्लस एम है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एम है। अब इसको अगर पढ़ना हो तो वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं तीसरी टू पॉइंटर अप्रोच की, और ये सबसे बेस्ट अप्रोच है अभी तक की। देखो तो अगर हम लोग इस एग्जांपल को कंसीडर करें तो वहाँ पर दो लिंक लिस्ट हैं, एक लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 और दूसरी लिंक लिस्ट कौन सी है 11 12 4 5 6। ठीक है, अब इसमें मुझे पता चल रहा है कि मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। अब भाई 4 अगर मिल जाएगा तो यही हमारा क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि देखो पहली वाली लिंक लिस्ट में भी आ रहा है और दूसरी वाली लिंक लिस्ट में भी आ रहा है, तो यही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, हमें बताना है कि हाँ भाई यही है। अब हमारा जो नया वाला लॉजिक है ये क्या कहेगा, देखो इसको हेड ए पॉइंट आउट कर रहा है और इसको हेड बी पॉइंट आउट कर रहा है, तो मैं कह देता हूँ कि जो मेरा पी ए है, पी ए ये अभी मैं कहता हूँ कि इसको मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ कि जिस भी नोड में येलो कलर होगा उसको पी ए पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं कह देता हूँ कि मेरे पास एक पॉइंटर है पी बी, अब ये ब्लू कलर का है,
ठीक है, तो जिस भी नोड में ब्लू कलर होगा समझ जाना उसको पी बी पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कह दूं यहाँ पे कि भाई पी ए को मैंने हेड पे लगा दिया पहली वाली लिंक लिस्ट के, और पी बी को मैंने क्या करा हेड पे लगा दिया दूसरी वाली लिंक लिस्ट के, सिंपल है। तो ये अप्रोच क्या कहती है कि भाई आप पी ए और पी बी इन दोनों को एक एक करके आगे बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। ठीक है, अगर पी ए हमारा ख़त्म हो गया, पी ए हमारा एंड हो रहा है, मतलब अब भाई सिक्स पे जब पी ए आएगा नहीं, पहले पी ए वन पे है, फिर टू पे, थ्री पे, फोर पे, तो अगर पी ए हमारा एंड हो रहा हो तो अब भाई इसके आगे तो कुछ है नहीं, इसके आगे तो कुछ नहीं है। तो आप क्या करोगे उस केस में, पी ए को उठा के आप कहाँ पॉइंट आउट कराने लगोगे? आप पी ए को पॉइंट आउट करवा दोगे हेड बी को, मतलब पहले पी ए अपना पूरा चलेगा और उसके बाद हेड बी को पॉइंट आउट करने लगेगा अगर ख़त्म होने की बारी गई। सेम सिचुएशन हमारे यहाँ पे दूसरे पी बी के लिए भी चलती है कि अगर पी बी 11, 12, 4, 5, 6 ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो अगर कभी भी हमारा पी बी ख़त्म होने की फिराक में आता है तो पी बी ख़त्म नहीं होगा, हम उसको पॉइंट आउट कहाँ करा देंगे? पहले वाले हेड को, समझ लो। तो ये हमारा कुछ लॉजिक है, अब देखते हैं इससे काम हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई पी ए और पी बी तुम दोनों लोग एक एक आगे बढ़ जाओ, तो इसने कहा ठीक है भैया हम बढ़े आएंगे। ठीक है, तो अभी पी ए किसको पॉइंट आउट कर रहा है? मैंने कहा भाई पी ए आपका पॉइंट आउट करने लगा टू को, और पी बी किसे पॉइंट आउट कर रहा है? पी बी पॉइंट आउट करने लगा ट्वेल्व को, सिंपल है ना। तो फिर मैंने कहा कि भाई क्या ये दोनों नोड आपस में इक्वल है क्या? नहीं यार ये तो इक्वल नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा ऐसा करो पी ए, चलो बेटा तुम आगे बढ़े जाओ एक, और पी बी तुम भी आगे बढ़ जाओ एक कदम। तो पी ए ने बोला कि भाई ठीक है मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मैं इस नोड पर आ गया, और पी बी ने भी बोला चलो ठीक है मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मैं इस नोड पर आ गया। ठीक है, फिर मैंने चेक करा क्या ये दोनों नोड आपस में इक्वल है? नहीं भाई ये तो इक्वल नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो बेटा पी ए तुम एक आगे बढ़ जाओ और पी बी तुम भी एक आगे बढ़े आओ, मतलब हम एक साथ दोनों को आगे बढ़ाएंगे। तो पी ए आगे बढ़ के इधर आ गया होगा और पी बी आगे बढ़ के इधर आ गया। ठीक है, अभी मैंने कहा क्या दोनों नोड आपस में इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो फिर मैंने दोबारा कहा, मैंने कहा चलो बेटा पी ए तुम आगे बढ़ो, पी बी तुम भी आगे बढ़ो। तो पी बी पी ए जो है हमारा यहाँ आ गया और पी बी हमारा किधर आ गया? इधर आ गया। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई क्या ये दोनों नोड आपस में इक्वल हैं? नहीं इक्वल हैं। इसका मतलब पी ए तुम ऐसा करो एक आगे बढ़ो और पी बी तुम भी एक आगे बढ़ो। तो भाई पी ए को तो बढ़ने की यहाँ पे जगह थी, देखो पी ए यहाँ था, ठीक है, अभी पी ए किधर चला जाएगा? पी ए चट्टे से उछल के इस जगह पे आ जाएगा, बट पी बी तो यहाँ पे ही था ना, पी बी सिक्स पे था और इसके आगे उसको तो जगह मिल नहीं रही है। तो मैंने आपको क्या कहा है, अगर कोई भी पॉइंटर अगर ख़त्म होने की फिराक में आ रहा है तो उसको दूसरी वाली लिंक लिस्ट के हेड में पॉइंट आउट करा दो। तो इसके आगे जब पी बी को जगह नहीं मिली तो पी बी ने क्या कहा, लो भाई हम तो ऐसा करेंगे हम हेड ए को पॉइंट आउट करने लगेंगे। ठीक है, फिर मैंने अब देखो ये सिचुएशन हो गई, अब मैंने चेक करा क्या वन और सिक्स आपस में इक्वल है? ऐसा तो नहीं। तो मैंने कहा चलो बेटा फिर से एक एक आगे बढ़े दोनों लोग। तो मैंने कहा चलो बेटा पी ए तुम आगे बढ़ो और पी बी तुम भी आगे बढ़ो। ठीक है, तो जो पी ए था, अब पी ए ने देखा कि भाई वो भी ख़त्म हो गया है, उसके उसके आगे भी कुछ नहीं बचा है। तो पी ए ने कहा अच्छा तुमने मेरा वाला जो हेड है उसको लिया है ना, तो मैं तुम्हारे वाले हेड को ले लूँगा। तो ये पी ए हमारा इधर आ गया इलेवन पे, और पी बी हमारा वन पे था ना, तो पी बी किधर चला जाएगा? टू पे चला जाएगा। अब इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, फिर हमने चेक करा टू और इलेवन क्या सेम है? ऐसा तो नहीं है। तो फिर हमने कहा चलो बेटा पी ए तुम एक कदम आगे बढ़ो और पी बी तुम भी एक कदम आगे बढ़ो। तो पी ए ने पी ए जो है उछल के इधर आ गया और पी बी उछल के इधर आ गया। फिर मैंने चेक करा क्या दोनों नोड आपस में इक्वल हैं? सॉरी मैंने पी बी को इस रंग से कह दिया, ये इस रंग से, ठीक है हाँ। तो क्या दोनों नोड आपस में इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो मैंने कहा चलो बेटा पी ए तुम एक आगे बढ़ो और पी बी तुम भी एक आगे बढ़ो। तो पी ए हमारा उठ के इधर आ गया और पी बी भी हमारा उठ के किधर आ गया? इधर आ गया। और जहाँ ये दोनों इक्वल हो गए इसका मतलब यही हमारा पॉइंट कैसा है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये हमारा लॉजिक है, समझ रहे हो। इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम लोगों ने पी ए को उठाया और पहली वाली लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स कराएंगे, ऐसे ही हमने पी बी को उठाया और दूसरी वाली लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स कराएंगे। अगर किसी भी केस में पी ए और पी बी, ठीक है, ये दोनों जो हैं आपस में, मैं कहता हूँ कि कहीं ख़त्म होने की फिराक में आते हैं, इनको आगे नज़र नहीं आ रहा है कि पी बी अगर इस जगह पे आ गए, पी बी को समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएं, तो हम कह रहे हैं पी बी तुम ऐसा करो, तो फिर तुम दूसरी वाली लिंक लिस्ट के हेड को पॉइंट आउट करने लगना। अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे बहुत ही सॉलिड रीज़न भी है, अभी देखो मैं आपको रीज़न भी देता हूँ। ठीक है, ये देखो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर सही कर देता हूँ फिर बताता हूँ। ये देखो मैं कहता हूँ मान लो कि यहाँ पे एक और एलिमेंट था 13, ठीक है, ऐसा तो हम वन पे थे फिर हम इलेवन पे थे, है ना, एक पॉइंटर वन पे एक इलेवन पे, फिर हम आगे बढ़े तो एक पॉइंटर आ गया टू पे एक आ गया ट्वेल्व पे, सही है। फिर हमने पी मतलब पी ए आ गया टू पे, पी बी आ गया ट्वेल्व पे, फिर मैंने कहा एक और आगे बढ़ो, तो पी ए आ गया थ्री पे और पी बी आ गया 13 पे,
मैंने कहा एक और आगे बढ़ो, तो पी ए आ गया 4 पे और पी बी भी आ गया 4 पे, तो इस समय हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब हम ऐसा करते हैं, यहाँ से हमें ये अप्रोच पता चले कि दो पॉइंटर लेते हैं, एक एक करके आगे बढ़ाएंगे। अगर लिंक लिस्ट की लेंथ सेम होगी, देखो इस पहले लिंक लिस्ट की लेंथ कितनी, 3 3 6 6 है, और दूसरी लिंक लिस्ट की लेंथ कितनी है, 3 3 6 6 है। तो अगर लेंथ दोनों लिंक लिस्ट की सेम है, इसका मतलब अगर दोनों पॉइंटर को हम एक साथ चला दें, एक एक करके आगे बढ़ाएं, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब वो अपने इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे मीट करेंगे। सही बात है। अच्छा, बट एक महान पुरुष आए, उन्होंने बोला अच्छा अगर ऐसा हो कि हमारे पास जो है नोट्स की लेंथ डिफरेंट हो, तब क्या होगा? ये लो, अब तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के नोट्स हो गए। पहली वाली लिंक लिस्ट में 6 है और दूसरी लिंक लिस्ट में कितनी वैल्यूज पड़ी हैं? हमने कहा 5 पड़ी हैं। तो लो, अब तो फंस गए ना, अब तो ये ट्रिक नहीं चल पाएगी। तो मैंने कहा कि भाई पहली वाली लिंक लिस्ट में इंटरसेक्शन पॉइंट तक पहुँचने के लिए लगभग कितने नोड उसको चलने पड़ेंगे? 1 2 3। पी ए को कम से कम 3 नोड चलने पड़ेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट को पहुंचने के लिए। ठीक है, मैंने मान लो अच्छा इसको मैं पहुंच गया, अभी तो 4 नोड चलने पड़ेंगे। और अगर मैं बात करता हूँ पी बी की, तो इसको इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए चलने के लिए कितने नोड चाहिए चलने पड़ेंगे? पहला, दूसरा और तीसरा। तो मतलब अगर हम पी ए हमारा जब 4 बार चल रहा है और इस पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो पी बी हमारा 3 बार चल रहा है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि अगर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पे दोनों को एक साथ लाना है, तो हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि दोनों लोग सेम रिदम पे चलने लगें, साथ साथ चलने लगें। तो भाई कुछ लोग कहेंगे तो ऐसा करो ना कि अगर पी बी पहले इधर, दूसरी बार इधर, तीसरी बार इधर आ रहा है, तो पी ए को यहाँ चलाओ, पहला दूसरा और तीसरा, तब जाके सेम मिल जाएगा। तो बट मैं हम कहेंगे ये तो इस एग्जाम्पल पे आपको नजर आ रहा है ना, बाकी एग्जाम्पल पे थोड़ी ना होगा। तो इसलिए हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई जब हमारा पी ए जब पूरा ट्रेवल्स कर ले जाएगा, तो कितने नोड उसने ट्रेवल्स कर लिए होंगे? 6, है ना? और जब हमारा पी बी पूरा ट्रेवल्स कर ले जाएगा, तो इसने नोड कितने ट्रेवल्स करे होंगे? 5। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत गौर से समझना। पी ए ने जब 6 नोड ट्रेवल्स करे और पी बी ने जब 5 नोड ट्रेवल्स करे, तो ये लोग आगे पीछे थे। आपने वो सिनेरियो भी देखा था, पी ए पी बी आगे पीछे लगे हुए थे। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं अपने कोई भी नोड जो भी पहले पहुँच रहा है, मान लो पी ए जो है पहले पहुँच जाता है, ठीक है, और पी बी बाद में पहुँचता है, तो मैं पी ए को उठा के दूसरे वाले के हेड में रख दूंगा और पी बी को उठा के दूसरे वाले के हेड में रख दूंगा, अगर वो कभी एंड होने वाला होगा। ठीक है, जब ऐसा होगा तो जो एक का डिफरेंस नहीं आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अभी फिर से एग्जाम्पल चला के एक बार देखोगे, तो आपको ये नज़र आएगा कि हाँ भाई ये बात तो सही है कि जो एक का डिफरेंस आ रहा था, तो जब अगली बार जब दोनों पॉइंटर नहीं, जब पूरा ट्रेवल्स कर लेंगे, तो इसके बाद दोबारा नहीं घूम के एक दूसरे के हेड को पॉइंट आउट करने लगेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि पी ए हमारा, सॉरी पी बी हमारा इधर होगा, इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, और पी ए हमारा इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो अब तो हम समझ गए ना कि हाँ अब इसको यहाँ तक जाने के लिए कितने नोड्स को ट्रेवल्स करना है, 1 2, ठीक है, और पी ए को इधर तक पहुँचने के लिए कितने नोड को ट्रेवल्स करना है, 1 और 2। अब आ गया ना सेम। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि अगर कोई नोड कभी ख़त्म होने को आ जाता है, तो वो दूसरी वाली लिंक लिस्ट के हेड को पॉइंट आउट करने लगता है। तो अब इसका लॉजिक कैसे लिखेंगे? देखो भाई, मैंने यहाँ पे एल्गोरिथम लिखी हुई है कि भाई मैं कह दूंगा कि भाई पी ए तुम पॉइंट आउट करने लगो हेड ए को, मैंने कहा पी बी तुम पॉइंट करने लगो दूसरे वाली लिंक लिस्ट के हेड को। फिर जब तक पी ए और पी बी जो हैं एक ही नोड को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, तब तक हम हर बार क्या चेक करेंगे कि भाई अगर पी ए मेरा एंड हो रहा है, मतलब पी ए ख़त्म हो रहा है, तो हमारा काम क्या, पी ए को उठा के हेड बी को दे देना। तो हमने कहा पी ए तुम हेड बी को पॉइंट आउट करने लगना। और फिर अगर हमारा पी ए, ठीक है, अगर हम इसको सेट करते हैं कि भाई तुम अगर हेड बी को पॉइंट आउट करने लगोगे, तो उसके बाद हमें इसको एक आगे भी तो बढ़ाना है। तो हमने कह दिया कि तुम भाई पी ए इक्वल टू पी ए कनेक्ट, मतलब तुम अगले पॉइंटर पे भी चले जाना। अच्छा, अगर पी बी अगर ख़त्म होने को आ गया, तो हम कह देंगे ऐसा करो पी बी तुम हेड ए को पॉइंट आउट करने लगना। तो मैंने कहा सभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, अब इसको हम एक और बार यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। देखो अब इसको कोड में देखते हैं, सीधी सी बात है। फिर वही बात है, जब पी बी नहीं बढ़ेगा, तो फिर हम पी बी को भी एक आगे बढ़ा देंगे, मतलब हर बार हमें एक एक नोट नहीं आगे बढ़ाना था, तो बस वही यहाँ पे चल रहा है, कोड में आता समझ में आएगा। हमने कहा पी ए तुम हेड ए को पॉइंट करो, पी बी तुम हेड बी को पॉइंट करो। मैंने कहा जब तक पी ए इज़ नॉट इक्वल टू पी बी, जब तक इक्वल नहीं है, तब तक क्या करेंगे, तब तक कुछ काम करेंगे। अच्छा, अगर इक्वल हो गए तो हम लोग जो है उस नोड को रिटर्न कर देंगे। इक्वल तभी तो होंगे जब मैच कर गए होंगे, समझ रहे हो? तो हम वहाँ पर रिटर्न कर देंगे पी ए को। देखो हमने क्या कहा इसको, देखो मैंने वन लाइनर कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करा है, पाइथन में होता है ये। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं इसको समझा ले जाऊँगा आपको, बाकी नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं कुछ कोशिश करूँगा समझाने की। देखो सबसे तो पहले हम क्या चेक करेंगे, जब ये लूप के अंदर आएंगे, हम चेक करेंगे क्या पी ए नन है, क्या पी ए ख़त्म होने वाला है। अच्छा, अगर पी ए ख़त्म होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, पी ए को हेड बी पॉइंट आउट करवा देंगे।
अच्छा, अगर ऐसा नहीं होगा तो, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम पीए को एक आगे बढ़ा देंगे, इसका यही मतलब होता है। ऐसे वन लाइन में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया, फिर हमें पीबी को भी तो चेक करना है। हमने कहा क्या भाई, पीबी तो कहीं ऐसा नहीं ख़त्म होने वाला है? अगर ख़त्म होने वाला है तो हम पीबी को किसको अपॉइंट करवा देंगे, हेड ए को। अच्छा अगर ऐसा नहीं होगा तो हम पीबी को एक आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। आप सेम लाइन अगर आपको सिंपली लिखनी है तो आप ऐसे भी लिख सकते थे वाली, ये तो मैंने शॉर्टकट लिख दिया था। इफ़ पी वन पी ए इज इक्वल टू नन, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप क्या करो, पी ए को हेड बी पकड़ा दो, ठीक है। एल्स क्या करोगे, पी ए इज इक्वल टू पी ए का नेक्स्ट। तो ये जो आपने चार पांच लाइन लिखी, इसकी जगह आप इस सिंपल एक लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। इफ कंडीशन ट्रू तो ये काम होगा, एल्स ये काम होगा। इफ कंडीशन ट्रू तो ये काम होगा, एल्स ये काम होगा। मैंने कहा सही, आपको सिंपल सा कोड समझ में आ गया होगा। अब भाई इसमें खासियत क्या है ना, कि हमने जब ऊपर वाली अप्रोच देखी पहली वाली, तो उसमें हमें एन स्क्वायर टाइम लग रहा था और कॉन्स्टेंट स्पेस लग रही थी। दूसरी अप्रोच देखी तो ओ एन टाइम लग रहा था और ओ एन स्पेस लग रही थी, ठीक है। तीसरी अप्रोच देखी तो उसमें क्या है, यह तीसरी अप्रोच है, इसमें हमें ओ एन टाइम लगेगा और ओ वन स्पेस लगेगी। इसका मतलब भाई तीसरी वाली अप्रोच बेस्ट है, तो बिल्कुल बेस्ट है। मेरे ख्याल से आप लोग को भी यही वाली अप्रोच लगानी चाहिए। तो कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस मैंने यहाँ पे कर रखी है आप लोगों के लिए पहले से ही, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी आप एक एक करके पढ़ भी सकते हो, मतलब कोई इशू नहीं है। ये देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, एन प्लस एम। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई एन जो है लेंथ होगी हमारी पहली लिंक लिस्ट की या दूसरी लिंक लिस्ट की, जिसकी भी हो मतलब देख लेना अपना, ठीक है। तो उन दोनों की लेंथ पे जो है हमें चलना है, तो मैक्सिमम हम कितनी बार चलेंगे। अच्छा हमने एक चीज़ तो देख ली कि भाई अगर हमें लिस्ट को, लिस्ट की लेंथ अगर अलग अलग होंगी दोनों की, तो हमें उसको दो बार कम से कम ट्रेवल्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2m+2n टाइम लग जाएगा, इसका मतलब वो वही बात हो गई, m+n, समझ रहे हो, कॉन्स्टेंट टाइम सॉरी एन टाइम में ही मेरा काम हो जाएगा। अच्छा अगर हमारा लिस्ट जो है वो सेम लेंथ की होगी तो हमें सिर्फ एक बार ही ट्रेवल्स करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो बस ऐसे ही कुछ सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे O1 है। अच्छा इसका मैं एक और आपको लॉजिक बता देता हूँ जो आप लोग खुद से ट्राई करोगे। क्या है कि भाई इसका सबसे सिंपल एक और सोल्यूशन है कि भाई आपके सारे के सारे एलिमेंट जो हैं लिस्ट में वो सारे पॉजिटिव हैं, समझ रहे हो। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास लिंक लिस्ट में एलिमेंट पड़ा है 1, 2, 3, ठीक है, और 4, 5, 6, अगर आपके पास ऐसा कुछ पड़ा है पहली लिंक लिस्ट, ठीक है, और दूसरी लिंक लिस्ट में पड़ा है 11, 12, ऐसा है ना। तो मैं कहता हूँ ऐसा करो, पहली वाली लिंक लिस्ट में जितने भी एलिमेंट हैं सबको निगेटिव कर दो। तो मैंने कहा -1, -2, -3, -4, -5, -6, और अब क्या करो, देखो अब सारे एलिमेंट्स को निगेटिव करने में आपको कितना समय लग जाएगा। आप पहली वाली लिंक लिस्ट को एक एक करके ट्रैवर्स करोगे, हर एक नोड में क्या वैल्यू डाल दोगे, माइनस की वैल्यू डाल दोगे, निगेटिव कर दोगे उन वैल्यूज़ को, तो उसमें आपको एन टाइम लग जाएगा। अच्छा अब इसके बाद आप क्या करो, आप दूसरी वाली लिंक लिस्ट में चलना चालू करो और दूसरी वाली लिंक लिस्ट में चेक करो क्या वो पर्टिकुलर एलिमेंट निगेटिव है क्या, ये तो नहीं है, ये निगेटिव है क्या, ये भी नहीं है, ये निगेटिव है क्या। अगर ये निगेटिव हुआ इसका मतलब है कि ये निगेटिव कैसे हुआ था, ये मतलब लिंक लिस्ट ए का पार्ट है, समझ रहे हो। यहाँ पे लिंक लिस्ट ए के हमने सारे एलिमेंट निगेटिव कर रखे थे, समझ रहे हो। और जैसे ही हम जो है दूसरे लिंक लिस्ट में जब चेक करेंगे कि क्या ये सारे एलिमेंट निगेटिव है क्या, इसको यहाँ मिलकर वहाँ पर ये एलिमेंट तो निगेटिव है, और निगेटिव करा किसने, हमने सारे उन्हीं एलिमेंट को निगेटिव करा है जो लिंक लिस्ट ए में थे। इसका मतलब है कि यही हमारा क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यही यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एल्गोरिदम है, बट ये तभी आपके काम करेगी जब आपके सारे एलिमेंट हमारी लिंक लिस्ट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर पॉजिटिव और निगेटिव का कॉम्बिनेशन होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा एक और बात है कि जब आपने इसको एक बार पूरा ट्रेवल्स कर लिया तो इसमें आपको लग गया एन टाइम इनको निगेटिव बनाने में। अब इसके बाद आप दूसरे लिंक लिस्ट में एक एक करके चेक करोगे क्या कोई एलिमेंट निगेटिव है क्या, उसमें आपको एन टाइम लग जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, अगर सारे एलिमेंट पॉजिटिव हैं तो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आपको याद रखनी, क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि हमें लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं ना इसकी वैल्यूज़ में कोई चेंजेस करने हैं, तो हमें इन सारी वैल्यूज़ को अगर हमने निगेटिव बनाया है तो हमें एक बार और लूप चलाना पड़ेगा पहली वाली लिंक लिस्ट में, और सारी वैल्यूज़ को हमें दोबारा से पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि लिंक लिस्ट का कोई भी स्ट्रक्चर जरा सा भी चेंज ना हो तो उसमें भी हमें एन टाइम लगेगा। तो एक ये अप्रोच भी है जो एन टाइम में चल रही है हमारे, समझ रहे हो। अब इसके लिए आप इस लाइन को पूरा पढ़ सकते हो कि भाई सबसे पहले हम लोग चलेंगे पहले अपनी पहली वाली लिस्ट में, उसके सारे एलिमेंट को निगेटिव कर देंगे, उसके बाद हम जो है दूसरी वाली लिस्ट में चलेंगे और चेक करेंगे कि भाई पहला कौन सा निगेटिव एलिमेंट हमें मिल रहा है, अगर मिल गया इसमें मतलब वही एलिमेंट क्या इंटरसेक्शन है उन दोनों के बीच में, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा पहले वाली लिस्ट को चलेंगे और उसके बाद सारी वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर देंगे। तो मेरे ख्याल से अभी आपको पूरा का पूरा कोड समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने चार अप्रोचेज डिस्कस करी हैं और मुझे उम्मीद है कि शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।